हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो हमने लिया है एक्सरसाइज 3B से, क्लास 10 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स टू इक्वेशंस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है नाम। सेकेंड है 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छी होने वाली है ये वीडियो। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने इक्वेशन वन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8x, जो कि इक्वेशन 2 में सेम है। तो इसके बाद से हम सब्ट्रैक्ट करके x वाले टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए सेम हम करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 = 8x प्लस 2 × 6 = 12y इज इक्वल टू 2 × 3 = 6xy। ये नया इक्वेशन बन गया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन 2 को। 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1xy, दैट मीन्स xy। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है इक्वेशन 2 को, तो हमें क्या मिल गया है, 3y इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई बोथ साइड में है, कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 3। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे x का वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा हमें, 4 × 1 प्लस 6y इज इक्वल टू 3 × 1 × y। 4 × 1 = 4 प्लस 6y इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 एंड y। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, 6y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 4, 3y इज इक्वल टू माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस 4/3। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स y का वैल्यू, माइनस 4/3। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे x और y को हमने इजीली फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 25 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आप देख रहे हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें 3 पुट करना था, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया है। चलिए इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, 4 × 3 हो जाएगा यहाँ पे एंड 3 × 3 ये हो गया, 4 × 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12 एंड 3 × 3 यहाँ पे क्या आ गया, 9। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो आंसर सीट से आंसर मिलाया था तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक थी ये हमने चेक किया तो यहाँ पे हमें मिस्टेक मिल गई है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, इधर से रफ करके हम फिर से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, 12 इज इक्वल टू 9y माइनस में 6y, 6y को राइट में लेके गए, माइनस में हो गया, सो हमें क्या मिलेगा, 12 इज इक्वल टू 3y, 12/3 इज इक्वल टू y, दैट मीन्स 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स और भी इस तरह से सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।